हाय चक्क 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 है तू, हाय चक्क 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 हूँ मैं। सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस ये है सारा अली खान का सॉन्ग, जी हाँ अतरंगी रे, और उनका लुक मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में। सो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ मॉइस्चराइज अपने फेस को, लैक्मे का क्रीम लिया है लैक्मे पिगमेंट का, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे करेक्टर लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक का करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर अपने अंडर आई पर यूज करूंगी, देन अपने अराउंड अपर लिप्स में ग्रीन शेड ले रही हूँ ग्रीन करेक्टर, और उसके बाद मैं नोज के अराउंड में पर्पल शेड लूंगी। मैं जस्ट ऐसे ही ट्राई कर रही थी थोड़ा कि क्या इसका इफेक्ट होता है, और फोरहेड पे भी साइड साइड पे थोड़ा सा पर्पल अप्लाई कर लिया। इससे मेरा जो थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे लग रहे थे ब्लैक स्पॉट्स वगैरह, मतलब थोड़ा सा जो डार्क शेड मेरा जो डार्क एरिया था वहाँ वहाँ मैंने इससे कंसीलर को सॉरी करेक्टर को लगा लिया है ताकि मेरा जो कलर है वो करेक्ट हो जाए। देन उसके बाद मैंने एन वाई बे का यहाँ पे लिया है लिक्विड हाईलाइटर, उसको ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन उसके बाद मेबलिन का लूंगी फाउंडेशन, उसको अपने फिंगर की हेल्प से टैप 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 करके लगाकर और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेम मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। देन उसके बाद अंडर आई पे मैं लगा रही हूँ कंसीलर एन वाई बे का, और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है मुझे वहाँ वहाँ सब जगह कंसीलर को अप्लाई कर लूंगी। देन उसके बाद अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, और अराउंड माउथ मतलब थोड़ा सा टंग लगाकर आप इस तरह से लगाओ फुलाकर, तो जो जो लाइनें बन जाती है ना वहाँ पे अच्छे से चला जाता है आपका फाउंडेशन, तो वहाँ पे लाइन क्रीज नहीं होती है, लाइन बिल्डअप नहीं होती है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर से अपना जो बर्थ मार्क है ना उसे हाइड करने की कोशिश करूँ, काफ़ी हद तक इसने हाइड भी कर दिया था तो मुझे अच्छा लगा ये करेक्टर। सो दैट्स इट। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट एन वाई बी का कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी और अच्छे से अपने पूरे फेस को कवर अप कर दूंगी अपने बेस को। सो गाइस ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही क्विकली कंसीलर लगाने के बाद पूरे बेस को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा बेस ऑलमोस्ट हो गया है डन, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी चलते हैं अपने आईब्रोज की तरफ। आईब्रोज को मैंने फिल कर लिया है ऑफ कैमरा, सो आपको पता ही है। देन उसके बाद मैं आती हूँ आईज़ पर, तो मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी से एक शेड लिया है ब्राउन शेड पिक किया है, देन उसको थोड़ा सा रिमूव करके मतलब डस्ट आउट करके मैंने यहाँ पे पूरे लिप पे अप्लाई करूँ, क्योंकि उनका जो आई मेकअप था वो बहुत ही न्यूट्रल सा था, बहुत ही लाइट था, ब्राउन सा हल्का सा, और कुछ भी उसमें कलर ऐड नहीं था, तो मैंने भी ऐसे ही किया सेम सेकेंड आईज़ पे, दूसरी आईज़ पे भी मैं ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी दोनों आईज़ पर। सो ये मेरा आई हो गया कम्प्लीट नहीं हुआ सॉरी, आई का जो मेकअप था वो हो गया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एन वाई बी के काजल से, जो कि बहुत अच्छा वाला है। एज अ लाइनर इसको ड्रॉ करिए, एज अ काजल इसे ड्रॉ करिए, बहुत ब्यूटीफुली अच्छे से लग जाता है। देन दूसरे आईज पे भी मैं ऐसे ही कर लूँगी, उनका भी ऐसे ही लाइनर ड्रॉ हुआ था आईज पर, मतलब लुक ऐसे ही आ रहा था, तो मैंने भी इस तरह से किया है। वाटर लाइन पे भी सेम ऐसे ही दोनों आईज पे कर लूँगी, दैट्स इट। कुछ इस तरीके का लुक उनका था आइज का। देन उसके बाद मैं पूरे फेस को अपने कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि कंट्रोलिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप के दौरान, आपको पता ही है, क्योंकि आपका फेस होता है ना जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो थोड़ा सा हैवी लगने लगता है, तो इसलिए हमें अपने फेस को ओरिजिनल दिखाने के लिए हमें कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने जॉ लाइन पे, चीक बोन पे एंड नोज एरिया पे सब जगह अच्छे से मैंने कंट्रोलिंग कर ली। देन उसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया है एल ए कलर का, उसके बाद मैंने लिया शुगर का हाइलाइटर, ये मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है, आपको पता है मैं पहले इसको ही बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, तो इसको लगाते ही ना बॉम बिल्कुल हो जाता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आई लैशेज कम्प्लीट कर ली, देन मेरा लुक ऑलमोस्ट हो गया कम्प्लीट। लास्टली मेरा बचा लिपस्टिक, उसके बाद मैं न्यू शेड ले रही हूँ अप्लाई कर लिया है, मेरा लुक हो गया फिनिश। यहाँ पे उन्होंने नोज रिंग पहनी थी, मैंने भी पहन ली, बिंदी वेयर कर ली, तो आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो। गाइस पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा था, मेरा ये मेकअप लुक कैसा था। ओके थैंक्स फॉर